आगे हमारी चाट वगैरह और ये सब अपने स्टार्टर, ये सब उसी में इंक्लूड है हमारा 699 में जो कि ट्राई करते रहे ये ओ भाई इतना ज्यादा टेस्टी, मतलब क्या ही बता सकता हूँ मैं। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है यार आप लोगों का एक और नई वीडियो में। एक सेकंड यार, सही है। तो भाई आ गए हम लोग रेड गोल। तो कैसा लगा ट्रांजिशन तुमको बताना, बाकी ये रहे अपने सारे के सारे दोस्त। तो एक काम करते हैं, चलते हैं फटाफट से रेड गोल के अंदर बिना टाइम वेस्ट करे। आ जाओ। तो यार फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। हमको पता नहीं था पर टाइमिंग का सिस्टम था कुछ। फोटो खिंचा रहे तुम लोग? तो ये यहाँ पर बाहर का सिटिंग एरिया है, बाकी अंदर का तो मैंने आपको दिखाई दिया होगा सिटी मैट्रिक्स में, है ना। टाइमिंग बता दो एक बार इन लोगों को कितनी कितनी। टाइमिंग यार 7 बजे के बाद है ना, अगर रात को डिनर करना है तो फिर 7 बजे के बाद आओ, और लाइक डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है और जगह भी बहुत अच्छी। लंच के लिए भी आ सकते हैं 12 बजे से 4 बजे तक। बढ़िया जगह यार, बाकी अभी खा के बताएंगे कैसा है। बाकी इस बार इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया वाली रील डलने वाली है, वो भी देख लेना जाके। Wow, beautiful! हेलो मेंढक के आस पास हो रहे। हाँ चलो क्लिक करा। भाई तू गांजी का फैन आ जाएगा। The point where I to pass the line right. Give the night sky, I'm trying to see your stars. But I always feel the dark. Now I see violet, I can feel your silence. You always feel so far when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. कुछ ऐसा कुछ सीन है अंदर का, बाकी देख रहे हो कितना ही अच्छा बन रखा है ये। मतलब क्या तारीफ करूँ मैं। सिनेमैटिक्स तो मैंने आपको सारे दिखाई देंगे, बाकी ऊपर है वेटिंग रूम और एक सिटिंग एरिया बाहर है, उसके सिनेमैटिक्स आपको दिखा दिए मैंने। और एक एरिया ये है बैठने का जहाँ पर शायद हम लोग बैठेंगे, और एक एरिया ये है बैठने का या फिर शायद हम यहाँ बैठेंगे, बाकी अभी देखते हैं किधर बैठेंगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ बार टाइप का है यार। यहाँ पे जो एंट्री थी वो थी 699 की, तो एंट्री आपकी 699 की होगी। उसके अंदर बाकी यहाँ पे आपका पूरा बुफे सिस्टम। अभी अंदर दिखाते हैं क्या क्या खाने में, अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जैसे ही खाना स्टार्ट होता है हम आपको दिखाते हैं क्या क्या खाने में। आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो। अभी आके बैठ चुके हैं हम लोग अपनी अपनी टेबल्स पे। अपनी अपनी टेबल्स पे क्या, अपनी टेबल सच्चाई तो बताओ कैसे आके बैठे हैं। अरे क्या हुआ ना, हम लोग 5:30 बजे आ गए थे, हमें पता नहीं था 7 बजे स्टार्ट होता है। हम लोग 1.5 घंटा वेट करके अब बैठे हैं। तो तुम लोग यार सही टाइम पे आना। पहले एक गेम मिला हमको, ठीक है बताओ कैसा। तो 780 आना, आग देखो कैसे मार दिया लड़की। अच्छा है, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है, बहुत सुपर। आज की शाम एक जाम। चीयर्स गाइस, चीयर्स टू अस। ये हम लोग नई नई ऐसी नई नई जगह ट्राई करते रहे ये। यार एक बार फिर से करना ना, मैं स्नैपचैट में डालूंगी। तो तुम्हें लग रहा होगा ना बाहर की भीड़ है, बाहर की भीड़ नहीं है, हमारे साथ ही दोस्त ऐसे लग गई। स्टार्ट देखो, स्टार्ट हो गई थी जल्दी। देखो 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 हमारी चाट वगैरह और ये सब अपने स्टार्टर, ये सब उसी में इंक्लूड है हमारा 699 में, जो कि मैंने आपको बता दिया होगा या बता दूंगा आगे। कैसा लगा कैसा लग रहा है?
यार फटाफट से टेस्ट करो और बताओ कैसा है। भाई बहुत टेस्टी है यार। टेस्टी है? बहुत। सो फार सो गुड। बेचारी को खौफ हो गया, टिश्यू पेपर आगे रख के बाहर के। भाई ये जो भी चीज है, चाट है क्या, है क्या बोलते हैं इसको, जो भी है मिक्स पेपर, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है ना। ये वाली पापड़ी चाट भी बहुत टेस्टी है। अभी आ रही है हमारी पापड़ी चाट भी, ट्राई कर लेंगे चाट कैसी है खाने में। बाकी भाई ये तो बहुत ही टेस्टी था। हमने क्या खाया अभी, जो भी था सैलेड टाइप का स्टार्टिंग में हमने खाया, बहुत ही टेस्टी था। फिलहाल अभी ये ट्राई करते हैं। यार अभी हमारा स्टार्टर्स में ये एक और बार आ चुका है। हाँ ये है सोया चाप, ये पनीर टिक्का और उधर बाकी अभी पिज्जा भी आ चुका है यहाँ पे स्टार्टर्स में हमारे पास। नॉनवेज में क्या क्या था बताओ भाई। नॉनवेज में क्या क्या था, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, मलाई चिकन टिक्का अभी ये आया है, और बाकी ये पाइनएप्पल भी है। बाकी मुझे नहीं पता था ये भी होगा, मुझे भी नहीं पता था। सही है यार, बर्थ इट हो गए। डिश का नेम क्या है, दाबेली, दाबेली स्लाइडर है, कोल्हापुरी दाबेली। ओके कोल्हापुरी दाबेली जो भी है ट्राई करते हैं। ये टेस्टी है। चलो जल्दी करो मैडम, जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So, let's get inside. बहुत अच्छा क्या कवर करूँ मैं आज के ब्लॉग में। This was epic. So, तुम लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहली चीज The best staff. देहरादून में मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में इतना फ्रेंडली स्टाफ नहीं देखा, किसी भी रेस्टोरेंट में। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। इसे दो मिली है ना इसलिए। सुंदर होने का फायदा। थैंक यू। बाकी सच में यार, मतलब इतना फ्रेंडली स्टाफ, इतना फ्रेंडली स्टाफ, क्या बताओ। एकदम बढ़िया। और चिकन इज वेरी वेरी टेस्टी, लाइक अभी स्टार्टर्स में इतना मजा आ गया ना, अभी तो मेन डिश बची है। मेरे को ना वैरायटी बहुत है, हम लोग खुद ही थके भाई, और कितना आएगा। Exactly. है ना, मतलब नया नया आ जा रहा है, एक उतना रिफिल आना, एक उतना नया आना है। लिटरली अभी हमने सिर्फ स्टार्टर्स खाया है, और जो टेस्ट है ना, एक भी चीज अगर ऐसी नहीं छोटी छोटी चीज का टेस्ट बहुत अच्छा है। छोटी से छोटी चीज का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। ये पोटैटो बोल है, इतना लाइक ऐसे लग रहा है मैं मेल्ट हो जा रहा है, लेकिन ला नहीं रहे, लेकिन टेस्ट बिल्डअप हो रहा है। इतनी बार तो लिया है और ला रहे हैं अभी। ये तो पाइनएप्पल के पीछे पड़ गया है, इसे बस पाइनएप्पल खिला, इसे पाइनएप्पल और दूसरा का वो भी इसी को खिला दो सारा। एक तो पनीर भी अच्छा था भाई, सभी को जैसे मैं तो स्टार्टर में पेट भर जाएगा। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो। ओ भाई भाई वो उसका पाइनएप्पल उठा के ले गया। ये देखो भाई खाना ही बाहर लेके आ गया तो। लिटरली खाने ही वाल लिया यार, जैसे हम सबकी सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेन कोर्स खाने और मेन कोर्स खाने का। और अमन राव देखो अभी खाए, आधा घंटा हो गया हमको वेट करते हुए, अमन राव अभी भी अंदर ही है। भाई कितनी देर बाद आएगी,
6.5 hours later. तो भाई देखो अमन आ चुकी है कितने देर बाद पूरे तीन थी। अरे तू रहने दे यार देखो ना ना ना, ना। फोटो नहीं देखते अभी तू बता क्या करने गई थी अंदर इतनी देर से ये देखो भाई इसको दौरे पड़ रहे हैं आपके ओ सूख तो रही क्या तो भाई एक बार तुमको दिखाए थे यहाँ पे क्या क्या है हैदराबाद चिकन बिरयानी पढ़ते रहना दाल मखनी और दम आलू पंजाब पनीर लवाबदार चिली पनीर ग्रेवी फ्रेश फ्राइड राइस एंड 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 डिजर्ट भी है वाओ डिजर्ट डिजर्ट फिर से इतना कुछ है यहाँ पे भाई स्टार्टर्स में देखो स्टार्टर्स कह रहा हूँ सॉरी डेजर्ट ले तूने भी चले अब स्टार्ट रिएक्शन देख रहे हो लोगों का तो अभी हमारा मेन कोर्स आ चुका है ये है चिली पनीर ग्रेवी ये है अपनी रसमलाई डेजर्ट में भी बहुत कुछ है मैंने आपको दिखाया होगा वहाँ पे बाकी खाना बहुत टेस्टी आ रहा है तुषार लिटरली बहुत टेस्टी खाना है बहुत टेस्टी खाना है फिलहाल मैं इसका चम्मच चला देता हूँ क्योंकि मैं चम्मच लाना भूल गया हूँ चलो भाई स्टार्ट करो स्वीट उठा के लाइए सबके लिए हाँ मैंने लेके आ जाऊँ मूंग दाल वाला ये वाला ही है अगले बार प्लीज सबको एक लाइक ये देखो ओ भाई साहब किसी को कुछ और ऐड ऑन चाहिए होगा इसे ले लेना वो मुझे सब प्लेट मेरे को दे दे नहीं इतनी अच्छी नहीं बता मेन कोर्स कैसा है पनीर इज गुड अब दाल मखनी टेस्ट करती हूँ कर 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 जल्दी बता भाई गुड गुड बहुत अच्छा है मेन कोर्स स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स डिनर चीज बर्थडे डिनर भी बहुत अच्छा है ये देखो डेजर्ट ये देखो डेजर्ट सुधांशी का दिखा दिखा शक्ल दिखा सुधांशी का डेजर्ट सीरियसली ओ भाई ये है भाई मूंग दाल का हलवा और सीरियसली बता रहा हूँ इतना टेस्टी मेरा कभी नहीं बनेगा It is really very tasty, यार। ₹500 में क्या लोगे? यार इतना तो कहीं मिलता ही नहीं है। सच में बहुत टेस्टी यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब मैं मुझे मूंग दाल खिला। तुम सोचते रहोगे ये क्या खाना है? ले। ये प्लीज़ ज़रूर डालना। अबे ले जल्दी पूरा ले। प्लीज़ ज़रूर डालना। पक्का पक्का। गाइस के लिए आइसक्रीम। भाई खाने की बता मैं जितनी तारीफ कर लूँ ना यार उतनी ही कम है इतना ज़्यादा टेस्टी मतलब क्या ही बता सकता हूँ मैं है ना खाने का टेस्ट हर एक चीज़ का टेस्ट सीरियसली बता रहा हूँ अभी तुम लोगों को लगेगा कि मैंने लोगों से पैसे लिए होंगे इनको प्रमोट करने के लिए बट एक पैसा नहीं दिया लिटरली बता रहा हूँ इतना टेस्टी खाना मैंने पूरे देहरादून में देहरादून छोड़ो मैंने अपनी जिंदगी में इतना टेस्टी खाना नहीं खाया जोक्स अपार्ट ₹700 में इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिल सकता रुपये छोड़ो अगर मुझसे ₹2000 भी देते ना 10,000 भी ले देते मैं बोलता भाई खाना बहुत टेस्टी बहुत ज्यादा टेस्टी भाई 10,000 तो मैं नहीं आती खाने के लिए लेकिन टेस्ट एक बताना वर्थ इट नहीं है एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वर्थ इट है बहुत ज्यादा मतलब लिटरली बताओ ना जस्ट एक बार आओ खा के देखो जो हम बोल रहे हो तुमको पता चलेगा ना लिटरली पागल हो जाओगे इतना टेस्टी खाना है भाई हाँ आप प्लेटें देखो हमारी सबसे अच्छी तरह की स्वीट डिश स्वीट डिशेज है जो कि ये खा रही है भर के वैरायटी वैरायटी बहुत टेस्टी मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी ना मूंग दाल का हलवा इज लाइक ब्रेथ टेकिंग सच में मैं तो खाली कर दिया और भाई ये रसमलाई लिटरली कलर देख रहे हो इसका
टेम्पटिंग, बहुत टेम्पटिंग भाई, कोई फिल्टर विल्टर नहीं। तो यार खाना पीना भी हो गया है, पेट तो ऐसा हो गया ना बिल्कुल, दिखाऊंगा नहीं मैं पूरा बाहर आ रहा है। मैं अपनी प्रॉपर डाइट पे था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है कभी 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 कभी। बताओ भाई अपने रिव्यू दो यार, इतनी भी दे यार, थोड़ी भी टेंशन में और बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा, बस एक वर्ड फैंटास्टिक, एंड वर्ड एग्जैक्ट। यहाँ पे एक एक आइटम बहुत ज्यादा अच्छी है, छोटा सा लड्डू भी बहुत टेस्टी बनता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रॉपर एक ऑथेंटिक टेस्ट, प्योरिटी वो है। तू बता इसकी तो हालत देख रहे हो कैसे बैठी है किसे भी देखो भाई खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज्यादा टेस्टी, मस्ट विजिट। मतलब आओगे ना देहरादून, आ रहे हो अगर, या फिर तुम देहरादून से देख रहे हो तो भाई आ जाओ, क्या कर रहे हो, है ना। What are you waiting for? Come on. What are you waiting for? नाक बंदे मेरी। लो यार अभी एक काम करते हैं, अभी चलते हैं फटाफट से नीचे, भाई पेट छुपा लूँ अपना। तो अभी चलते हैं फटाफट से नीचे, देखते हैं अगर और कुछ दिखाने का मिलता है, बाकी गाने भी चल रहे हैं यहाँ पे, कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो यार मेरे को, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू। और यार एक बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है, ऐसी ऐसी सब्सक्राइब करते रहो, जल्दी से हमारे 10-15,000 सब्सक्राइबर कराओ, उसके बाद आएगा एक बहुत तगड़ा सरप्राइज। जिस दिन 1 मिलियन हो जाएंगे ना, उस दिन से तुम लोगों को खाने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज की 3 साल उल्टा सीधा मैं समझ लेना कुछ। दो बच्चे करा दो जल्दी से, करा दो। मेरे से काफी लोग पूछते रहते हो कि ये सब लोग कहाँ से है। देखो यार ये है हरिद्वार से, ये है अलीगढ़ से, वो जो पिक्चर देखी है ना अलीगढ़ की टिकट ये वहाँ से, ये है पटना से, ये तो देहरादून से ही है तुम्हें पता ही है, ये भी देहरादून से, और मेरा तो तुम्हें पता ही है। सर गाइस एक बार आप ये देख लीजिए अभी यहाँ का कैसा कैसा हिसाब है, सर आपको बता देंगे। हाँ जी सर, ये हमारे पैकेजेज हैं लंच एंड डिनर के, वेज नॉन वेज के। जो लंच का है मंडे टू फ्राइडे है वेज 699 है, नॉन वेज 799 है। ओके। और लंच का सैटरडे संडे आपका 999 वेज का है, 1099 नॉन वेज का है, सेम संडे भी है। डिनर में मंडे टू थर्सडे आपका डिनर 699 वेज का है, 799 नॉन वेज का है। देन फ्राइडे डिनर से और संडे डिनर तक 999 आपका नॉन वेज का है, सॉरी, और नॉन वेज का 1099 है। ओके ओके, प्लस जीएसटी। ओके, प्लस जीएसटी। इसमें आपको है स्टार्टर प्लस बफे प्लस डेजर्ट। ओके, एक पैसा। और बाकी नंबर है अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो आप पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आने से पहले आपको कॉन्टैक्ट करना हो। बाकी ये ड्रिंक्स है, हमारा ये लिकर पैकेज आता है, ड्रिंक लिकर पैकेज है। ओके, इसमें आपका जो लंच का पैकेज है मंडे टू फ्राइडे है वो 1899 वेज का है, 1999 नॉन वेज का है। ओके, एंड सैटरडे संडे है वो 2499 आपका वेज का है, 2599 नॉन वेज का है। okay. ये आपका लंच का है, इसमें से आप इनमें कौन से भी एक पैकेज ले सकते हैं। अच्छा, ये जो चार पैकेज दिखाई दे रहे हैं, चार पैकेजेस हैं, ठीक है ना सर। और इसमें 30 ml के आपके 8 ड्रिंक्स रहेंगे, जो भी आप पैकेज लेंगे, अगर बियर लेंगे तो 6 बियर और पॉइंट आपके रहेंगे। ओके, ठीक है। देन सेम ये डिनर में जाता है आपका लेकर पैकेज, फूड पर ड्रिंक्स का है, मंडे टू थर्सडे 2099 का वेज है, 2199 का नॉन वेज है। ओके, फ्राइडे टू संडे आपका जो डिनर रहेगा 2499 का रहेगा वेज, एंड 2599 का रहेगा नॉन वेज। सेम वही थिंकिंग आपका, जो आप पैकेज लेंगे बियर का लेंगे, विस्की का लेंगे, वोट का लेंगे, जिन लेंगे वो जैसे जिसकी चॉइस चॉइस होगी। अगर बियर का लेंगे तो 6 बियर और पॉइंट है, विस्की लेंगे तो 30 ml है 8 ड्रिंक्स मिल जाएंगे आपको, 240 ml आपका पर पर्सन ड्रिंक्स में इंक्लूड रहेगा। ओके, डन सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो यार हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है पूरा भर भर के, पेट देख लो सबके बाहर निकल चुके हैं। इसका देखो सबसे ज्यादा सांस छोड़, सांस छोड़। तो यार खाना यहाँ का एक नंबर भाई, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। तो यार ब्लॉग पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय 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 बाय।